बट आप सैनिकों को ओआरओपी वाज 8300 करोड़ वो 8300 करोड़ में आपको ओआरओपी मिल जाएगा, मगर आपने 30,000 करोड़ रुपए बिना कोई एक्सपीरियंस बिना कोई बैकग्राउंड 30,000 करोड़ रुपए आप अनिल अंबानी को देने के लिए तैयार हो, मगर हमारी सेना के इक्विपमेंट के लिए उनके फ्यूचर के लिए उनके पेंशन के लिए आप काम करने को तैयार नहीं है। दैट इज द मेन इशू हियर। बहुत दुख हुआ क्योंकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, शायद आपके सामने वो जिस प्रकार उन्होंने अंदर दुख प्रकट किया, जिस प्रकार वो अंदर बोले, जो उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, ये बड़े डिग्निफाइड लोग हैं तो ये आपके सामने उस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, मगर इनके दिल को बहुत चोट पहुंची है और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो गलत है और उसको सरकार को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। बट मेन इशू मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने प्रोसीजर बदला, 126 हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज, एयरफोर्स ने पूरा नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने और एयरफोर्स के सीनियर ब्रास ने नेगोशिएशन किया, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशन किया, प्रधानमंत्री आते हैं सब रद्द कर देते हैं, एक नई डील तैयार करते हैं और 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए एक व्यक्ति को जिसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसको गिफ्ट देते हैं, मगर हमारी जो सेना के लोग हैं एयरफोर्स के लोग हैं जो हर रोज इस देश की रक्षा करते हैं उनसे पैसा छीना जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने आपको ओआरओपी पे किया था वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे।